हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दोलन मिश्रा ब्लॉग चैनल। देवांग सर कृपी को घर में बहुत बोर लग रहा था। आज उन लोग का ट्यूशन भी छुट्टी था, इसलिए उन लोगों ने सोचा क्यों ना थोड़ा सा साइकिलिंग किया जाए। और साइकिलिंग करने में दोनों को ही बहुत मज़ा आता है, और साइकिलिंग करते करते दोनों पार्क पहुंच गए। पार्क में अंदर तो घुसना था, तो क्रीपी साइकिल अंदर नहीं घुसा पा रही थी, तो एक अंकल ने उसकी हेल्प कर दी। मगर देवांश को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, वह खुद साइकिल अपने आप से पार्क के अंदर घुसा लिया। अब दोनों पहुंच गए पार्क के अंदर। देवांश पूरा घूम घूम के पार्क देख रहा था कि वो क्या करे। उसकी दिमाग में सिर्फ खुराफाती आइडिया चल रहे थे, और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी कहीं वो इधर उधर भाग न जाए। कहाँ तक भागेगा, लेकिन मुझे दौड़ाएगा। फिर देवांश अपने धुन में कभी गिरता पड़ता, लेकिन अपने मंजिल में कामयाब रहता। सभी बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भी एक जगह पकड़ के बैठ ही गई। कहाँ उन लोगों के पीछे पीछे मैं भागूंगी। कोई बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कोई झूला पे है, सब कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही समय बीत रहा है। देवांश भी अब स्लाइडर पे आ गया, अब वो स्लाइड करेगा। स्लाइड कर रहा है वो। क्रीपी आ गई उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे वो गिर ना जाए। यही चल रहा है। और भी बच्चे वेटिंग लिस्ट में आ गए। उसकी मम्मियाँ भी सभी की बच्ची अपने अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही हैं, लेकिन क्रीपी बहुत ही अच्छी दीदी है, वो अपने भाई को खुद प्रोटेक्ट कर रही है। और इसी के साथ समय बीत गया, और अब घर जाने की बारी आ गई। देवांश क्रीपी दोनों अपनी अपनी साइकिल लेकर घर की ओर चल दिए, और क्रीपी चली गई, और देवांश मंदिर में आके भगवान को प्रणाम करने लगा। और अब वो काली मंदिर में घुस रहा है। काली मंदिर में घुस के उसने देखा कि माता जी को पर्दा से ढक दिया गया है, इस वजह से वो बहुत सैड हो गया। और वहीं से प्रणाम करके मुझे आके पूछने लगा, एबार की होबे माँ? और हम किच्छु होबे ना, अब भगवान सो गए हैं क्योंकि शाम होने वाली है, तुम उसे गुड नाइट कह के चलो। फिर बोला, नहीं, मुझे और भगवान को गुड नाइट बोलना है। तो वह अब राधे कृष्ण की मंदिर पे चले गए। राधे कृष्ण मंदिर में भी पर्दा दे दिया, उसे भी बाहर से प्रणाम करके वो अब उसने सारी भगवान को प्रणाम